हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पेशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हर व्यक्ति अधिक पैसा कमाना चाहता है और वो व्यक्ति अधिक पैसा इसलिए कमाना चाहता है ताकि उस पैसे को कहीं पे वो सेव कर सके। वो उस पैसे को सेव इसलिए करता है ताकि भविष्य में उसको अधिक रिटर्निंग मिले और वो अपना लाइफ सेफ रहे, क्योंकि आज वो जिस स्थिति में काम कर रहा है, सोचिए यदि किसी कारणवश वो उस काम को ना कर सके, या किसी दुकानदार में कॉन्ट्रैक्ट लेवल में या किसी कहीं पर मजदूरी करता है, तो यदि उनकी मजदूरी घट जाए या फिर जब वो मजदूरी ना कर सके या फिर वो काम किसी कारण बस छूट जाइए, और या फिर जब वो काम करने योग्य ना बचे, यानी कि आज से 50 साल बाद, या फिर जब उनकी उम्र का काम ना कर सके या फिर वो काम करने अगर योग्य ना बन सके, तो उस समय कौन सी स्थिति या फिर कौन सी प्लानिंग उसे वो काम देगी, यानी वो उस समय उनके जीवन यापन कैसे गुजरेगा। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति 50 या 60 साल हो जाता है, तो उसके हाथ में जो किया गया काम उसके पास नहीं रहता है, ना तो उसके पास उस समय रहता है कि वो अधिक से अधिक कुछ काम करे, और ना ही कोई अच्छी हुनर वो सीख पाए। उस समय एक ही पैसा काम आता है, वो है आपका इन्वेस्ट किया गया पेंशन का पैसा। आप अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग पेंशन में आप स्कीम में डाल सकते हैं। जैसे इसके लिए आप अटल पेंशन योजना में पैसा डाल सकते हैं, और NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा आप जमा कर सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी न किसी रूप में वो तो आप व्यक्ति LIC में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना पेंशन के लिए। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि पेंशन क्या होता है, कैसे बनता है, कितने साल में बनता है। तो पेंशन से जुड़ी हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और एक नया टर्म भी सीखेंगे कि आखिर कैसे बनता है। तो ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, जिनमें हम आप सभी कुछ पेंशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि पेंशन से क्या समझते हैं। पेंशन एक व्यक्ति का वो राशि होता है, जब व्यक्ति योग्य होता है, काम करने लायक होता है, तो वो अपना सैलरी का या बोल सकते अपना वेतन का कुछ हिस्सा वो बचा के रखता है, या बोल सकते हैं कोई मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति कारखाना में काम करता है या फिर कहीं कंपनी में काम करता है, तो एम्प्लॉयर का 8.33% उस व्यक्ति का पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाता है, और जब ये व्यक्ति 10 साल कंप्लीट कर लेता है, तो उन्हें उस हिस्से का उन्हें पेंशन का भागीदार बनता है। जब उनकी उम्र 58 ईयर यानी कि 58 साल जब हो जाता है, तो उन्हें वो पेंशन रूप हो जाता है। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति का जो सैलरी है वो है आपका 10,000, और 10,000 का यदि हम 8.33% निकालते हैं, तो वो होता है उस महीने का उनका पेंशन की राशि। अब सवाल आता है कि पेंशन का मतलब क्या होता है। पेंशन का मतलब होता है किसी जीवित व्यक्तियों के द्वारा अपने समय काल में किए गए कामों के 8.33% किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में दिए गए अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन का वो राशि, जब वो काम ना कर सके, यानी जब वो उनका जो सेवा समाप्त हो जाता है, जब वो रिटायर्ड हो जाता है, तो रिटायर्ड के बाद अपना आश्रित होने के लिए ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा दिया गया धन ही पेंशन होता है, और यही पेंशन का मतलब होता है। यानी हम सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि जब व्यक्ति काम करता रहता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो दिया गया ऑर्गेनाइजेशन का 8.33% ही उसका पेंशन होता है, और जब यह व्यक्ति रिटायर हो जाता है, तो वही उसका जो दिया गया 8.33% उन्हें जीवित रहने के लिए या फिर अपने उस समय उनको जीवन यापन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया धनराशि ही पेंशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेंशन कितने साल में मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि पेंशन हमें किसी भी संस्था में 10 साल काम करने के बाद ही हमारे पेंशन मिलती है। वो है आपका न्यूनतम एज होगा आपका अपना 10 साल, आप उससे अधिक भी काम कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो साल है वो है आपका 10 साल। और है कि पेंशन का कितना पैसा हमें आता है। तो मैं आपको बता दूं कि पेंशन का पैसा हमें 8.33% आता है, यानी किसी व्यक्ति का यदि मासिक जो सैलरी है 15,000 है, तो 15,000 का 8.33% हमें मासिक पेंशन के रूप में आता है। यदि किसी व्यक्ति का सैलरी 15,000 है, तो 15,000 गुना 8.33 डिवाइडेड बाय 100,
तो ये आपका हो जाएगा 1250 रुपया। तो ये 1250 रुपया उसका हो गया मासिक पेंशन। अगला पॉइंट है कि एक व्यक्ति कितना पेंशन ले सकता है। तो एक व्यक्ति जो मिनिमम है पेंशन वो 1000 ले सकता है और अधिकतम पेंशन वो 45000 ले सकता है। इससे अधिक वो पेंशन नहीं ले सकता है। वो अपने कार्यकाल और अपना पेमेंट सैलरी के अनुसार ये डिपेंड करता है। इन पेंशनर की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी को कितना पेंशन मिलता है। तो इनका जो उत्तर होगा या फिर उसका आंसर होगा वो है कि पेंशनर की मृत्यु होने के बाद पत्नी को उनका 50% उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है। कि पेंशन कितने साल में बनती है, तो उसका आंसर होगा पेंशन मिनिमम 10 साल में बनती है। यदि उसका एक्चुअल टाइम है और वह का 9 साल 6 महीना 1 दिन राउंड फिगर में बोला जाए तो उन्हें 10 साल माना जाता है।